वो एक महिला डॉक्टर थी, वो बहुत सारी उनके पास ऑप्शन थे चीज़ों से निपटने के लिए, लेकिन नहीं। चलिए हम उस टॉपिक पे बात करते हैं, इस पे बात करना चाहिए हमें। हम बात करते हैं वही राधा गोविंद कर मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जो डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई है उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा और भक्षणा करते हैं। और हम सारे डॉक्टर से यही चाहते हैं कि हाँ, फीमेल डॉक्टर या फिर मेल डॉक्टर को प्रशासन द्वारा जो सहयोग दिया जाए, हिफाजत किया जाए। इवन नहीं मेल डॉक्टर तो फीमेल डॉक्टर को तो मिलना चाहिए सुरक्षा। लेकिन हाँ, ये भी कहना चाहते हैं जो अपने लोग, अपने ही समाज के लोग ऐसा कर सकते हैं तो इंसान किससे बच सकता है। चाहे वो इंसान जो भी हो, जिसने काम किया उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए गवर्नमेंट द्वारा। और इंसाफ ऐसा होना चाहिए कि सबको, या फिर जो भी ये लोग काम किए या फिर जो इस टाइप के दरिंदे हैं, जो इस टाइप के इंसान हैं, उनके रूह में एक डर पैदा होना चाहिए कि दोबारा ये ऐसी हरकत किसी डॉक्टर के साथ ही नहीं, किसी भी इंसान के साथ ना हो। तो आप लोग से निवेदन है और विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सारी डॉक्टरों से निवेदन है कि अपने जो भी आईडी पे एक एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करें उस डॉक्टर के लिए, ताकि गवर्नमेंट की नज़र में या फिर जो भी हो, जिस प्रकार से आप समर्थन कर सकते हैं उनका, उस डॉक्टर का आप समर्थन करें और अपने समाज को ये दिखाएं कि ये। और हाँ, पहली बात और ये कि अवेयरनेस की बात ये है कि अपनी बेटियों को जरूर, अपनी बेटी बहन या फिर जो भी है वाइफ, उन्हें लोगों को या लोगों के प्रति जागरूक जरूर करें। कहाँ कैसे रहना है, किस प्रकार से रहना है ज़रूर बताएं। हम जानते हैं कि हम 10 कुत्तों के बीच में रहते हैं, ठीक है। वो 10 कुत्ते सारे हरामखोर नहीं होते, उसमें से एक कुत्ता ऐसा हरामखोर रहता है जो भोगता है, उसकी वजह से 9 कुत्ते और भोगते हैं। तो ऐसे सारे समाज के गंदे लोग हो गए हैं। नियत एक गंदे इंसान की होती है, इन्वॉल्व सारे 9 लोग होते हैं, फिर भी सज़ा सबको मिलनी चाहिए जो भी इस गलत कांड में शामिल है। और उस देश की बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।